हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने एक स्वीट डिश के साथ आई हूँ। वो है फ्रूट कस्टर्ड सलाद, जो कि घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ज्यादातर ये रमजान के महीने में इफ्तारी के वक्त बनाई जाती है। ये बहुत ही आसान है। चलिए देख लेते हैं आज की ये रेसिपी कैसे बनती है। मैंने ये फ्रूट ब्रेड ले लिया है 4 पीसेस, बनाना छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और यह है कस्टर्ड पाउडर। आप कौन से भी कंपनी का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। फ्राई काजू और किशमिश, यह है पोमग्रेनेट, अनार, पपाया, और मैंने 200 ml दूध ले लिया है, जो मैंने पहले ही गर्म करके ठंडा कर लिया है, और यह है एप्पल के पीसेस, और यह है गार्निशिंग के लिए थोड़े से चेरीज। आप कुछ और फ्रूट जैसे खरबूज, वाटरमेलन, वो भी ऐड कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल है, मैंगो है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। पहले हम ये बनाने के लिए एक बाउल ले लेते हैं। उसमें हम जो दूध हमने लिया था उसको डाल लेंगे। मैं थोड़ा सा दूध इसमें रख ले रही हूँ ताकि मैं इसमें कस्टर्ड को मिक्स कर लूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूध गर्म हो चुका है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने चीनी बताना भूल गए। मैंने छोटा कप यानी तकरीबन 5 टेबलस्पून मैंने शुगर ले लिया है। अपने अंदाज से आप जितना मीठा खाते हैं उसके अंदाज से आप शुगर डाल लीजिए, और इस शुगर को भी मेल्ट होने के लिए रख दीजिए। तब तक ये शुगर मेल्ट हो जाए हम कस्टर्ड बना लेते हैं। देखिए, ये मैंने थोड़ा दूध इसमें रख लिया है। बड़े चम्मच कस्टर्ड को डाल रही हूँ। हमें कस्टर्ड को इस तरह अलग मिक्स करके उसमें डालना है। इस तरह बिना लम्स के हमें सारे कस्टर्ड को मिला लेना है। बिना लम्स के इस तरह कस्टर्ड को अपने दूध में मिला लिया है। अब ये दूध को भी मैं इस उबलते हुए दूध में डाल दूंगी। ध्यान रखिएगा, एक बार ये डालने के बाद आपको स्टिर करते ही रहना है कंटिन्यूअसली। देखिए फ्रेंड्स, ये धीरे से गाढ़ा होने लगा है। हमें इसे सेट नहीं होने देना है, इसलिए हमें स्टिर करते रहना है। देखिए, हमें इस क्वांटिटी में कस्टर्ड को रख लेना है। अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर लेती हूँ। इसको मैं ठंडा होने के लिए 10 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ। मैंने फ्रूट ब्रेड को इस तरह से पीसेस में कट कर लूंगी। एक बाउल ले लेंगे और इसमें यह है बनाना, जिसको मैंने पील करके कट करके रख लिया है, उसको डाल लेते हैं। एप्पल, इसको भी डाल देते हैं। पपाया, आप मैंगो, फनस, अनास, कुछ भी आपको जो फ्रूट्स अच्छे लगते हैं और अवेलेबल है उसको डाल लीजिए। यह पोमग्रेनेट मैं सारे इसमें डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ा क्रंची टेक्सचर लाने के लिए मैं ये काजू और किशमिश को भी ऐड कर रही हूँ। और ये ब्रेड के पीसेस जो मैंने कट कर लिए है उसको भी डाल लेती हूँ। अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है और इसमें कस्टर्ड को डाल रही हूँ। अब अपने ये जो फ्रूट्स हमने मिक्स करके रख लिए थे उसको हम इसमें डाल लेते हैं। इस तरह से हम फ्रूट्स को डाल लेंगे। हमने सारे फ्रूट्स को डाल दिया है। अब हम इसको सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। सर्व करने से पहले आप इसको रिफ्रिजरेट कर लीजिए 30 मिनट्स के लिए। ये चिल्ड ही बहुत अच्छा लगता है। ये मैं थोड़ा आइसक्रीम के साथ इसको गार्निश कर रही हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रूट कस्टर्ड रेडी हो चुका है। आशा करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।